और कुछ बातें करें अपना ये सब कुछ जान लेंगे नहीं नहीं ये सवाल पूछा गया है कि नहीं तो अगर... जो इंसान खुद मुफ्त में बुलाए वो काहे पूछ रहा है पैसे कितने मिलते चल रहा है कहीं और से करवा भी नजर लागल तो क्योंकि ये सवाल पूछा गया है मोहित ने पूछा है कि अगर हमें बस्सी का शो करवाना हो तो अंटे से कितना पैसा निकालना पड़ेगा उन्हें बोलो इंस्टाग्राम पे एक नंबर पड़ा है फोन करें आवाज आएगी एक रोहित भाई बताएंगे कितना पैसा लगेगा अच्छा वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर कोई आपका शो करवाना चाहे तो इस तरीके का कोई रिजर्वेशन रहता है कि मैं कॉलेज में परफॉर्म करूंगा लेकिन प्राइवेट पार्टी में नहीं करूंगा मेरा है थोड़ा सा बताइए तो पहले तो जब वायरल नहीं थे तब तो कुछ भी ले लेते थे कहीं से भी कोई भी बुला लो कहीं मेट्रो स्टेशन पर करा लो कोई दिक्कत नहीं तो तब तो यार पैसे चाहिए होते थे यार मतलब कहीं भी चले जाएंगे फिर 8,000 रुपये मिल जाते थे आधे घंटे के तो मतलब हफ्ता बन जाता था तो कहीं भी चले जाते थे हम DLF का कहीं कुछ हो रहा है गुड़गांव में कहीं चले गए वहाँ मॉल एक्टिविटी चल रही है अरे कुछ भी चल रहा है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ बच्चा एक मेरी जेब खींच रहा है खड़े होकर उसने उंगली डाल रखी है चल लेके जा रहा है मुझे कहाँ लेके जा रहा है मुझे पता नहीं किसका बच्चा मुझे पता नहीं कोई आप इन रॉस से बात करने गुब्बारे लेके जा रहे हैं बच्चे मार के चले जा रहे हैं मुंह पे कुछ भी चल रहा है तो वो करते थे मजा आता था आधा घंटा बिताना है बस कैसे भी करके फिर उसके बाद जब काम चलने लगा उसके बाद प्राइवेट मैंने मना कर दिया कुछ प्राइवेट अच्छे भी होते थे किसी ने फैमिली में बुला लिया तो मैं पॉडकास्ट में गया था किसी के घर में नीचे बेसमेंट में उन्होंने बोला था कुछ बर्थडे पार्टी है और वो ना बस एक तो रईसों के चौंचले इतने होते ना इनमें पैसे ख़त्म करने अपने और तब भी नहीं हो रहे इनसे मुझे बुला लिया और उसने कुछ बोला भी मुझे ऐसे कि मैंने भी ऐसे मुँह फाड़ के बोला 20,000 रुपये लूँगा कुछ तो उसने भी बोला हाँ 20,000 रुपये दे देंगे कुछ भी नहीं था मेरी कोई वीडियो नहीं थी कुछ नहीं था उसने कहा आ जाओ उसने मुझे कहीं देखा था किसी ओपन माइक में मैं गया बर्थडे पार्टी बोला तो 6 लोग बैठे हैं वहाँ दादाजी दादी जी बड़ा बेटा उनकी बहू और एक लड़का और फंकी से कपड़े पहनकर उसको जो बैठा उसका बर्थडे कैसे कपड़े फंकी से कपड़े पहन रखे डूड था वो अपना अच्छा मुझे तो वही दिख रहा था ना कि इसकी मार सकते हैं पर कैसे मार दूं इनके परिवार में तो खड़ा हूं मैं यहां पे अब बेसमेंट में खड़ा हूँ यहीं गाड़ देंगे क्या करूँगा मैं तो वो 6 लोग खड़े हैं सामने मैंने कहा इनका क्या रिलेटेबल ला सकते हो फैमिली में तो कुछ है ही नहीं हम पे कुछ भी नहीं और सेटअप कैसा होता है वो सामने खड़े हुए हैं जोक सुना बैठ गए बस सामने आके वो यहाँ उन्होंने एक JBL का तबड़ा स्पीकर रख दिया वो कैरियोके वाला माइक दे दिया हो जाओ शुरू अब समझ नहीं आ रहा मुजरा थोड़ी करते हैं यार हो जाओ शुरू और फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू करा तो दादाजी बहुत सपोर्टिव थे तो दादाजी को जो पसंद आ रहे थे अब जब दादाजी हंस रहे तो इनकी हिम्मत नहीं मुझे बोल दे वापस चला जा मैंने वो आधा घंटा दादाजी को देख के निकाल दिया मैं कहा दादाजी आप हंसते रहो कुछ भी सुना रहा हूँ कैसी भी बात कहीं की भी बात दादाजी को बढ़िया लग रही है मैं कहा बात साहब ठीक है वो शो करा तब कर लेता था उसके बाद जब हो गया जब सबको जो कॉलेज शो उठाता हूँ कॉरपोरेट बहुत कम उठाता हूँ क्योंकि कॉरपोरेट का ही वही सीन है कि वो MD हंस रहा है तो बाकी हंस रहे हैं अच्छा हाँ और मेरे पास कॉर्पोरेट जोक्स भी तो नहीं है ना यार और मेरे पास एक ही जॉब करी है वो जोक मैं उसमें शो में डाल रखा है बाकी जो HR के मजाक उड़ाने भी होते पता ही नहीं हमें मेरी तो रही नहीं ना कोई मैं कहाँ किसके मजाक उड़ा दूँ और जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर तो होता नहीं वकालत में जो इधर है आप लोग जाते हो ऑफिस मुझे नहीं पता कैसे जाते हो ऑफिस तो मेरे पास जोक ही नहीं कॉर्पोरेट में करने को तो और बाकी जो करने को है भी उसमें जाते ही स्टेज पे मैंने पहला जोक ही MD पे मार दिया मुझे क्या पता MD है ये क्या क्या जोक नहीं बता सकता मैं कंपनी का नाम लेना पड़ेगा उसका वो मार दिया बस उसके बाद तो खत्म हो गया आप बता दो हम बीप कर देंगे उतना कैसे बीप कर दो फिर जोक ही नहीं रहेगा ना फिर मजा ही नहीं आएगा नहीं नहीं हमको तो समझ में आ मैं जाने से पहले सुना के चला जाऊंगा ना ठीक है तो MD पे जोक मार दिया फिर कुछ नहीं फिर सब सन्नाटे बैठे हुए जिन्हें हंसी आ भी रही वो भी नीचे देख रहे हैं